दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 16 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई की करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं, राशि अनुसार जानेंगे। ये स्पेशल लव रीडिंग है जिसमें हम राशि अनुसार और वो भी आपके पार्टनर की राशि के अनुसार जानते हैं कि आपके पार्टनर जो आपके साथ में रहते हैं, जो आपके साथ में रह रहे हैं, चाहे वो मैरिड हों अनमैरिड हों, आपके रिलेशनशिप में आप हैं और रोज़ बात भी होती है, नो कांटेक्ट जैसी स्थिति नहीं है, तब आपके लिए ये स्पेशल लव रीडिंग है। आपके वर्तमान पार्टनर की वर्तमान की फीलिंग यानी 16 से 31 जुलाई के मध्य में वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या सोचेंगे, ये जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले जो पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वीडियो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर होती है और आपके पार्टनर के मून साइन के अनुसार होती है। तो आपके पार्टनर का मून साइन पता नहीं है तब नाम राशि के अनुसार देखें चाहे किसी भी चीज़ के अनुसार देखें, लेकिन मेन मुख्य रूप से आपको अपने पार्टनर की मून साइन को ही लेना चाहिए, उनके मून साइन के अनुसार ही देखना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे और मेष से मीन पर्यंत 12 राशियों का डिटेल में हम 12 राशियों के पार्टनर की करंट फीलिंग जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। हाँ, एक बात बता दें कि जो टाइम होता है राशियों का वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिख करके, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। अब यहाँ पर एक जानकारी और दे दें, अगर आप महारुद्राभिषेक बुकिंग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। सावन का महीना 22 जुलाई से प्रारंभ होगा, 19 अगस्त तक चलेगा और सावन के महीने में महारुद्राभिषेक करवा करके आप अपनी किसी भी समस्या को समाप्त कर सकते हैं। अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम को, अपनी लाइफ में बनी है जो नेगेटिविटी, उस नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं और उसके लिए महारुद्राभिषेक एक बहुत ही खास अवसर होता है। जैसे नवरात्रि में चंडी पाठ यानी नवदुर्गा पाठ, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, वो एक महान और बहुत ही खास अवसर होता है आपके लिए, वैसे ही शिवरात्रि या फिर सावन के महीने में ये अवसर आपको मिलता है। भोलेनाथ और यानी शिव और शक्ति की उपासना जो भी करता है वो अपनी लाइफ में हर प्रकार की समस्या को समाप्त कर पाता है और अपने कर्मों के कर्म बंधन से भी मुक्त हो पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी, जो प्रॉब्लम चल रही हैं, चाहे वो लव लाइफ को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो आप रुद्राभिषेक बुक करवा सकते हैं। 11,000 चार्ज है एक रुद्राभिषेक करवाने का। और दूसरा, आप अगर रुद्राभिषेक नहीं करवा सकते हैं तो आप धागा भी परचेस कर सकते हैं और दोनों लेना चाहें तो दोनों भी आप कर सकते हैं। जो सिद्ध धागा है, कई लोगों का ये कहना था कि आप एक धागा का इतना चार्ज कर रहे हैं, ऐसे ही कोई धागा आपको उठा करके नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसे कोई धागा उठा करके कोई दे तो वो 100-200 रुपए में भी बेच सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन उस धागे का महत्व क्या है? वो सिद्ध धागा भी एक पूजा से ही सिद्ध होता है और वो सिद्ध मंत्र भी पहले सिद्ध किया गया है, उसके साथ साथ वो पूरे लगभग 29-30 दिन, जो पूरा महीना 22 जुलाई से 19 अगस्त तक पूरे सावन के महीने में भोलेनाथ के समक्ष रखे जाएंगे वो धागे, और वो धागे सिद्ध होंगे और आपकी प्रॉब्लम के लिए सिद्ध होंगे, आपके लिए ही स्पेशल बनाए जाएंगे और उसमें सामग्री भी लगती है। प्रतिदिन पूजा की सामग्री जो है वो आप जोड़ लीजिएगा, कम से कम मैं आपको बता रहा हूं कि प्रतिदिन 100 रुपए की सामग्री तो आराम से लग जाएगी एक धागे के लिए, अगर एक धागे के हिस्से में आएंगे। बाकी तो पूजा तो और बड़ी होती है, उसमें कम से कम पर डे का खर्चा 2-3 हज़ार सामान का है, लेकिन जब सब लोगों के धागे सिद्ध होंगे तो उसमें वो सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। पर यही धागा केवल अकेला एक व्यक्ति का अगर सिद्ध होता है किसी विशेष पूजा के लिए तो 1,00,000 रुपये कम से कम खर्चा आता है अगर ऐसे सिद्ध होगा 30 दिन 28 दिन जो भी है। तो इस चीज़ को समझिएगा, ये किसी प्रकार से आपको हम ये दावा कर रहे हैं जब कि ये 1 साल तक आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ या आपके किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल लाइफ या किसी भी प्रकार के बिजनेस या व्यापार में कोई भी प्रॉब्लम, जिस हेतु जिस प्रयोजन के लिए आप ये धागा सिद्ध करवाएंगे, उस तरह की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में 1 साल तक 1000% आ ही नहीं सकती है।
ये बात तय मानिए। तो इसलिए आप इस धागे को भी ले सकते हैं या रुद्राभिषेक करवा सकते हैं अपनी किसी भी समस्या के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब जानकारी देंगे करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। मेष राशि का पार्टनर है तो क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या सोचेगा इन दिनों में, ये जानकारी देते हैं। अगर मेष राशि का पार्टनर है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुका है और वो उसके इमोशंस आपको थोड़े से समझ नहीं आ रहे हैं। उसे ये शिकायत है आपसे कि इमोशंस आपको समझ नहीं आते हैं। वो अपनी बहुत ज़्यादा फिजिकल रोमांटिक बातें करके और ऐसी बातें करके जो आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग लगती हैं, लेकिन वो उन्हीं बातों से अपना प्यार जताता है, उसका प्यार वही है और उस चीज़ को आप गलत समझते हैं। कहीं ना कहीं वर्तमान में जो स्थितियां ग्रहों की चल रही हैं उसके अनुसार उसके अंदर आपको लेकर के अब किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचा है। बस वो ये चाहता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें, आप उसे इज्जत दें, उसे सम्मान दें। अगर प्यार इज्जत सम्मान देंगे तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं मिला है ना कोई मिलेगा, ये वो जानते हैं। आपके साथ में अभी जो स्थितियां इस महीने मतलब इन दिनों की बनेंगी उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि आपको थोड़ा सा उनके ऊपर डाउट होगा, उनकी बातें आपको अजीब लग सकती हैं और बातें जरूरी नहीं सेक्सुअल हों तभी अजीब लगें। हो सकता है कि वो कुछ बात कर रहे हों तो उससे गलत फहमी क्रिएट हो, ऐसा होगा और कुछ ज़्यादा ही होगा, जिससे कि आपके मन में, आपका अगर पार्टनर मेष राशि का तो आपके मन में आ सकता है कि वो कुछ गलत बोल रहा है, लेकिन उसका गलत इंटेंशन नहीं होगा, किसी प्रकार से गलत आपकी फैमिली को या किसी भी चीज़ को नहीं बोलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा और ज़्यादा दिमाग का प्रयोग नहीं करेगा, यानी कि दिल से बोलेगा। उसे लगेगा कि आपके सामने क्या हिचकना, क्या शर्माना और क्या सोचना, जो मन में आता है बोल देता है। अब क्योंकि आपकी उम्मीदें उससे ज़्यादा हैं, ऐसा उसे लगता है, आपकी उम्मीदें उससे उसके लिए बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अपने लिए बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर उम्मीदें हो गई, तो उन उम्मीदों को वो पूरा नहीं कर पाएगा, ऐसा उसका सोचना है, उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा, इसलिए वो पहले से ही आपको आपकी गलत बात को पहले से ही रोकना चाहेगा, उस गलत बात पर पॉइंट करना चाहेगा या अपनी राय देना चाहेगा, और उसकी राय को आप अपने आप अपनी बात का विरोध समझ लेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम होगी। और इस बीच में आपको अगर कुछ समझना है तो उसकी फीलिंग समझनी है, उसकी प्योरिटी समझनी है, उसकी अंदर कोई भी बनावटपन नहीं है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। वो आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, बस वो इतना मांग रहा है आपसे, उसकी फीलिंग बस इतनी है कि आप उसकी इज्जत नहीं करते। और तो और अब इस बीच में वो एक चीज़ और ज़्यादा, खास करके 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में ये बहुत सोचेगा कि अगर आपका पास्ट उसे पता है तो वो बहुत ज़्यादा सोचेगा कि यार कितना ज़्यादा अपने एक्स के लिए ये मरी जाती थी या एक्स के लिए मरा जाता था और मेरे लिए कुछ दिखाता ही नहीं है। इस तरह की चीज़ें भी आपका पार्टनर सोच सकता है अगर मेष राशि का है तो। और अगर आप अपने एक्स की बातें अपने पार्टनर से करते हैं, चाहे वो इमोशनल बातें हों चाहे किसी भी तरीके की, अगर फिजिकल बातें उसे पता हैं आपके बारे में तो उनके बारे में वो ज़्यादा सोचता है, लेकिन इमोशनल बातों के बारे में तब सोचता है जब आप फिजिकल बातों को लेकर के ऐतराज़ करते हैं, आपके मन में इस तरह की चीज़ें आती हैं कि ये इस बात पे क्यों बोल रहा है, तो वो इमोशनल सोचने लगता है। फिर जब उसे इमोशनल सोचता है तो आप कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं, उसे अपने आप को गलत समझने लगता है। फिर कई बार वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ये आने लगता है कि यार कहीं मैं ही तो गलत नहीं, और गलत भी किस वे में कि इस व्यक्ति को एक्सेप्ट किया मैंने, इतनी गलतियाँ, इसकी कमियाँ, इसको माफ़ किया मैंने और इसकी हर एक पुरानी चीज़ को भुला करके उसे एक्सेप्ट किया, इसकी चीटिंग को मैंने माफ़ किया, इस तरह की चीज़ें आपका मेष राशि का पार्टनर है तो वो सोच रहा है, इस बीच में सोचेगा और कई दफ़ा आपसे उसके आर्ग्यूमेंट होंगे क्योंकि गलत फहमियाँ बनेंगी बातों में। तो ये इस तरह की चीज़ें इस समय में आपके पार्टनर के मन में आएंगी और इस तरह की फीलिंग उनके अंदर चल रही हैं। अब बात करेंगे
वृषभ राशि का अगर आपका पार्टनर है तो वो आपके लिए क्या सोचता है। अगर वृषभ राशि का पार्टनर है तो वर्तमान में वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, और इस समय आप ये जरूर देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर कंफ्यूजन बढ़ी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए नेगेटिविटी बढ़ी है, और सबसे अधिक मात्रा में वो आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि नेगेटिविटी बढ़ गई है उसके मन में आपके लिए। अब वो पीछा छुड़ा रहा है, लेकिन आप तो उसे आसानी से जाने दे रहे हैं, इसलिए वो नहीं जा पा रहा है। उसे जब तक ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो सही है, तब तक वो किसी भी तरीके से नहीं जा पाएगा। जब आप उसे रोकते नहीं हैं तो उसका ईगो हर्ट होता है, और इस बीच में आप बहुत देखेंगे कि वो दो दिन ब्लॉक करेगा या दो घंटे ब्लॉक करेगा, लेकिन फिर अनब्लॉक कर देगा, क्योंकि फिर बाद में वो यही कहेगा, भले ही अंदर से उसकी हीलिंग कुछ भी हो, फीलिंग कुछ भी हो, लेकिन उसके मन में यही रहेगा, बाद में ये बोलेगा आपको जब बात करेगा कि मैं देखना चाहता था तुम हकीकत में मुझे कितना प्यार करती हो या करते हो। वो देखना चाहता है, वो आपकी परीक्षा लेने की बार बार ट्राई कर रहा है, इस तरह की बातें करेगा, लेकिन हकीकत क्या होगी, उसकी एक्चुअल फीलिंग क्या होगी, वो आपको समझनी होगी। एक्चुअल फीलिंग आपके बारे में इतना नेगेटिव हो चुका है वो, कि अब वो आपसे दूर ही जाना चाहता है, वो आप पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहा है, और इस बीच में दूर जाने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है उसके साथ में कि वो जा नहीं पा रहा है, वो भूल नहीं पा रहा है, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, वो आपको छोड़ नहीं पा रहा है, और इसी वजह से वो बार बार आपके पास वापस आ जाता है। लेकिन अब गए क्यों थे, ब्लॉक क्यों किया था, और इतने दो दिन तीन दिन क्यों बात नहीं की, क्या वजह थी, इसकी सफाई वो बिना मांगे देगा। बिना मांगे देने का मतलब क्यों क्या होगा, आपको गलत ठहराना, आपको ये बताना कि देखो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं। अब इसमें उसकी नज़र में तो आप गलत और बन रहे हो, चाहे बन रहे हो, लेकिन उसकी नज़र में गलत बन रहे हो, उसकी फीलिंग और गंदी हो रही है आपके लिए, लेकिन फिर भी क्यों नहीं जा पा रहा है, क्यों नहीं जा पा रहा है, इसका एक ही जवाब है, जब तक उसे ये नहीं लगेगा कि मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं अपने लिए जो स्टैंड ले रहा हूँ वो सही है, ये सामने वाला गलत है। अब क्योंकि आप ये दिखाते ही नहीं है कि मैं गलत हूँ, तो इसलिए उसका ईगो हर्ट होता है, बार बार वापस आता है, और ये पूरे गोचर में पूरी स्थितियाँ दिखाती हैं कि 16 से 31 जुलाई बार बार यही होगा, कोई भी फैसला कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला है। लेकिन एक चीज़ और है, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए थोड़ा अजीब है, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये है कि उनके हस्बैंड, उनकी वाइफ उनके साथ रह करके भी जो उनसे नाराज़ होगी या उनसे दूर है, किसी प्रकार से घर से दूर हो जाती है झगड़े इत्यादि हो करके इस बीच में, या साथ में भी रह रही है, तो उसकी फीलिंग जो है ना वो आपको लेकर के ऐसी हो चुकी हैं कि आप उससे प्यार नहीं करते, वो आपके प्यार को नहीं समझती, बहुत ज़्यादा आपके अंदर ईगो है, अकड़ी, यही वो सोचता है वृषभ राशि का पार्टनर अगर आपका है तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो समय है वो आपको किसी नतीजे पर नहीं पहुंचाएगा। और वृषभ राशि का पार्टनर है तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपने उसे प्यार दिखा दिया और आपने अपनी सफाई देना शुरू कर दिया जिस दिन, उस दिन वो मूव ऑन कर जाएगा, उस दिन वो छोड़ पाएगा, उस दिन वो अपनी चैन की सांस ले पाएगा। लेकिन क्योंकि आप सफाई नहीं देते हैं तो इसलिए वो आपको गलत मान ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आप गलत हैं उसकी नज़र में, फिर भी क्योंकि आपको गलत इसलिए नहीं मान पा रहा क्योंकि आप सफाई नहीं दे रहे हैं, तो उसे ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सोच रहा हूँ वो गलत है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत दिमाग चला रहा है। अब राहु की वजह से वैसे भी लाइफ में अंधेरा तो हुआ है, अब वो ये चाहता है कि जो भी अंधेरा है अब इस अंधेरे कमरे में वो हाथ पैर जितना चला सके चलाए और उजाला करने की कोशिश करें। और उजाला कैसे होगा, उजाला होगा आपके प्यार से। आप जब प्यार से दरवाज़ा खोलेंगे, अपना प्यार का दरवाज़ा खोलेंगे, तो उजाला हो जाएगा,
और उस उजाले से फिर वो बाहर निकलने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जब तक आप उजाला नहीं करेंगे, जब तक आप प्यार का दरवाज़ा बंद करके अंधेरे में बैठाए हैं उसे, तब तक बस वो तरह तरह की फीलिंग उसके अंदर चलती रहेंगी, लेकिन नेगेटिव है फीलिंग, ये आप जान लीजिए। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि का अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग आपको लेकर क्या है, अगर इसको समझना है तो आपको ये बहुत ही बखूबी जानना होगा कि मिथुन राशि का जो पार्टनर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत प्यार उसके अंदर है, लेकिन क्योंकि उसे लगता है कि आप उतने हंसी मजाक इत्यादि नहीं करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं, आप उस तरीके के हैं, तो आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इस तरह की चीज़ें वो सोचता है। लेकिन आपका मिथुन राशि का पार्टनर आपसे प्यार बहुत करता है, आपके लिए उसके अंदर बहुत रोमांस है, बहुत ज़्यादा केयर है, वो सब कुछ आपको बार बार दिखाएगा और उसे प्यार जितना करना आता है उससे ज़्यादा दिखाना आता है। और आप ये बहुत बार बार देखेंगे कि हद से ज़्यादा आपका पार्टनर आपको प्यार शो कर रहा है। अब इसमें पॉजिटिविटी तो बहुत है आपके रिश्ते में, लेकिन नेगेटिविटी कहाँ है ये जानना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिविटी है आप में, जो वो जानता है कि आप उस पर उतना भरोसा नहीं करते हैं, आप उस पर शक बहुत करते हैं, इससे वो परेशान है और उसे लगता है कि आप जो हैं अगर उसके पास्ट के बारे में बार बार पूछेंगे तो ये उसके लिए सबसे ज़्यादा ख़राब है और वो पास्ट के बारे में नहीं बताना चाहता है, वो नहीं बताना चाहता है उसका अतीत कैसा था, क्या था, किसके साथ था। और अगर जान चुके हैं आप, किसी तरीके से जान भी लिए हैं बार बार फोर्स करके, तो उसके बारे में बात ना करें, वो ये चाहता है। तो आपके अंदर कुछ कमियां हैं, उन कमियों को सुधारना चाहता है, सुधरवाना चाहता है। वो आपसे मैरिज के बारे में वर्तमान में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मैरिज के बारे में बार बार सोच रहा है, लेकिन उसको लगता है कि शादी हम 2025 में करेंगे, उससे पहले एक बहुत अच्छा मौका आपको दिया है सुधरने का, और बार बार कहेगा कि लास्ट चांस हम दे रहे हैं आपको, सुधर जाइए। अब बात करेंगे कर्क राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग क्या है आपके लिए। देखिए, कर्क राशि का अगर आपका पार्टनर है तो वो बहुत ही ज़्यादा आपसे नाराज है और इस समय में उसका दुखड़ा यही है, उसका सारा दुख यही है कि आप उससे प्यार नहीं करते हैं, प्यार के लिए वो तड़प रहा है। वैसे भी जल तत्वीय राशि है और इस राशि में सबसे ज़्यादा लोग दुखी होते हैं इस बात से कि उन्हें प्यार दिखा क्यों नहीं रहा है उनका पार्टनर, और आप दिखा नहीं रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो आपके बारे में, आपकी रोज भले ही बात होती है, आपके बारे में जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, वो आपको नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके अंदर अब ये चीज़ आ गई है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं किसी व्यक्ति से इन्वॉल्व हैं और आप उनकी बात नहीं मानेंगे या अपने सच को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें आप पर बहुत डाउट होता है, शक तो बहुत करते हैं, लेकिन प्यार इतना है कि आपके लिए जो चाहे कर दें, आप उनकी जान मांग लें तो जान दे दें आपके लिए, इस तरीके का प्यार है उनका। लेकिन 25 से 31 जुलाई आप ये भी देखेंगे कि जितना रोया उसने, जितना रोना धोना आपको दिखाया, उससे ज़्यादा वो 25 से 31 जुलाई अपनी एक्चुअल फीलिंग बता रही है, बता रहा है। वो बताता है बार बार, आपको जताता है बार बार कि आप प्यार नहीं करते हैं, आप किसी और से लगाव रखते हैं, आपके दिल में कोई और है, इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपको वो बोलेगा। एक चीज़ और है कि यहाँ पर 19 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में एक चीज़ और देखी जाएगी, और वो है कि अगर आपके किसी भी प्रकार से लव लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ में या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी व्यक्ति से आपका अटैचमेंट हुआ था पहले,
तो उस व्यक्ति के बारे में बार बार चर्चा करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में यही आएगा कि आप फिर से उससे बात कर रहे हैं, यानी कि आपके पास्ट से फिर से आपके कनेक्शन हो गए। इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं बार बार उसके मन में आने वाली हैं, ये स्थिति है। अब बात करेंगे, अगर सिंह राशि का आपका पार्टनर है तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। देखिए, सिंह राशि का पार्टनर है तो वो अत्यधिक आपके लिए केयर करना चाहता है, आपकी जिम्मेदारी लेना चाहता है, आपको प्यार देना चाहता है। उसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, उसे हर तरीके से आपसे एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना है। उसे नहीं चाहिए कि आप शादी 100% करो, उसे नहीं चाहिए ऐसी कोई भी चीज़, लेकिन उसकी फीलिंग एक चीज़ है, शादी करो ना करो पर चीट मत करना, गलती से भी भूल से भी हमें धोखा ना देना, इस तरह की चीज़ें वो बोलेगा। इस बीच में एक चीज़ और होगी और वो ये है कि उसके मन में आपको लेकर के केयर, जिम्मेदारी, प्यार सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आप पर बहुत बुरी तरह गुस्सा दिखाएगा, आपको डराने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करने के लिए, क्योंकि आप किसी तरह से कुछ गलत कर रहे होंगे, उसकी नज़र में वो गलत लग रहा होगा, इस वजह से वो आप पर चिल्लाएगा, वो आपको समझाएगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में बार बार शादी को लेकर के बातें होती हैं, मैरिज को लेकर के बातें होती हैं, तो आप एक बात यकीन से मैं कह सकता हूँ कि इस बार, इस समय सबसे ज़्यादा शादी को लेकर के बातें करते करते पार्टनर आपका आपको रोक देगा, उनके बारे में बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करने देगा, नहीं बात करना चाहता है, उसके अंदर अभी नहीं है शादी को लेकर के, वो चाहता है कि अभी टाइम लिया जाए, थोड़ा शांति से चीज़ें की जाएं, इतना ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसे ऐसा लगता है। इस तरह की चीज़ें बार बार वो सोचेगा, आपको कई बातें बोलेगा भी, लेकिन अगर कुछ गुप्त फीलिंग आपको बताएं, कुछ गुप्त बातें आपको बताएं, तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप में हैं तो वो आपके साथ में फिजिकल होने के लिए मरा जा रहा है, वो आपसे मिलना चाहता है, वो फिजिकल होना चाहता है। अगर आप एक बार भी नहीं हुए हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, लेकिन अगर आप कई बार हो चुके हैं तो इस समय वो आपको अचानक से सरप्राइज भी कर सकते हैं, या अगर आप उस तरीके से नहीं हैं, उस माहौल के नहीं हैं, तो हो सकता है आपको फोर्स करे, आपको जिद करे कि मिलने के लिए, खुद अपने आ जाए या आपको बुलाए, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। और अगर मना किया तो इतने ज़्यादा झगड़े होने वाले हैं बहुत ज़्यादा, तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे कन्या राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। देखिए, कन्या राशि का अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा बुरी है, वो आपको छोड़ना चाहता है, वो आपसे दूर भागना चाह रहा है। अच्छा, वजह क्या है इसकी, इस बीच में आपको बार बार वजह बताएगा, वो वजह बताएगा कि आपके अंदर 100 कमियां हैं, आप पर भरोसा नहीं है, आप अपनी फैमिली के लिए मरे जाते हो और फैमिली फैमिली करते हो, मेरा साथ तो नहीं दोगे तुम, इस तरह की चीज़ें उसके मन में आ रही हैं। उसे लगता है कि फैमिली के अलावा आपको कुछ दिखता नहीं है, तो जिस दिन निर्णय लेने की, स्टैंड लेने की बात आएगी, आप पीछे हट जाएंगे, उसे अकेला छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, अपनी फैमिली का साथ देंगे, उसका साथ नहीं देंगे। इस वजह से वो आप पर भरोसा नहीं करता है और वो मौके की तलाश में है, वो आपसे कैसे निकल जाए, आपसे पीछा कैसे छुड़ा पाए। अब पीछा छुड़ाने वाली बात तो है, कुछ कमियां आपके अंदर इतनी हैं जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। अब वर्तमान में उसके अंदर ऑप्शन की तलाश है और मुझे लगता है कि 19 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में उसका कहीं ना कहीं वो ऑप्शन उसे मिल जाएगा या मिल चुका है, लेकिन उस बीच में वो बहुत क्लोज हो जाएंगे और यहाँ से आपके रिश्ते में बहुत बड़ी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। अगर आपका पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो 100% ऐसा हो सकता है कि वो किसी ऑप्शन को पाले और आपको साइडलाइन कर दे। इस बीच में आप ये भी देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा वो आपको प्रॉमिस करने से बच रहा है, वो आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉमिस नहीं कर रहा है, अगर आप मांग रहे हैं तो। वैसे तो स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आप खुद ही कोई प्रॉमिस ना करना चाहते हैं ना करवाना चाहते हैं, पर उसके बातों को लेकर के, नेगेटिव बातों को लेकर के, या उसकी जिस तरह से वो
कमियां गिना रही थी, अगर रहा था, वो चीज़ें अगर बंद हो जाएं, वो कमियां गिनाना, वो शिकायतें करना बंद हो जाए, खास करके 25 जुलाई से, तो समझ लीजिएगा कि मेरी बात बिल्कुल सत्य है और आपके पार्टनर के बीच में, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई व्यक्ति आ चुका है और इससे आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये स्थिति है दोस्तों। अब बात करेंगे तुला राशि वालों की, यानी तुला राशि का अगर आपका पार्टनर है तो इस बीच में वो आपके बारे में कैसा सोचेंगे, यानी कि उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। देखिए, तुला राशि का अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग वर्तमान में ऐसी ही लग रही हैं जिससे उसे लगता है कि वो आपके बिना भी रह सकता है, अब उसे आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, नेचर जो आपका है वो उसे ख़राब लगता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर, बहुत ज़्यादा उसे डोमिनेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर कमियां एक तरह से नज़र आती हैं उसे, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है उन बातों से, उन चीज़ों से। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उसके साथ में रहने के लायक नहीं हैं, आप की सोच, आपके विचार अलग हैं, अजीब हैं। अब ऐसा उसे क्यों लगने लगा है? क्योंकि उसे लगता है कि फ्यूचर जो है, जब शादी कर लेंगे तो बहुत कुछ अलग हो जाएंगी चीज़ें, फैमिली वाइज आप उसकी फैमिली में रहने लायक नहीं हैं, उसकी फैमिली को नहीं सपोर्ट करेंगे, उसकी फैमिली को नहीं समझेंगे, क्योंकि वैसे भी आपका जो पार्टनर है तुला राशि का, वो सिवाय फैमिली के कुछ सोचता भी नहीं है, तो वो फैमिली सोच करके कहीं ना कहीं आपको साइड करना चाहता है, आपसे दूर जाना चाहता है, पर उसे लगता है कि इसे धोखा दें तो दें कैसे। धोखा देना इतना आसान काम नहीं है, जो लोग धोखा दे पाते हैं उनके अंदर बहुत ही बुरी स्थिति, एक इंसानियत तो उनके अंदर होती ही नहीं है जो लोग किसी को धोखा दे पाते हैं। अब तुला राशि वाले इतने बुरे तो होते नहीं जो एकदम से धोखा दे पाए, लेकिन धोखा वही दे सकता है जो कंपेयर करे अपने प्यार को, अपने प्यार को यानी अपने पार्टनर को किसी और चीज़ से कंपेयर करे और उसे लगे कि यहाँ पर ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को धोखा देना, उस व्यक्ति यानी कि इतने लोगों से धोखा देने से अच्छा एक व्यक्ति को धोखा दे दो, ऐसा कंपैरिजन जो कर पाता है वही धोखा दे पाता है। नहीं तो जो टाइम पास वाले रूप में धोखे दिए जाते हैं वो तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। जो टाइम पास करते हैं और फिजिकल होते हैं और निकल जाते हैं धोखा दे करके, वो तो एक गलत इंसान है, वो तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। लेकिन कई लोग धोखे को एक अलग तरीके से देखते हैं, वो इस चीज़ को सोचते हैं कि हमारी आगे की लाइफ कहाँ जाएगी, हमारी फैमिली को क्या प्रॉब्लम होगी, हमारी इस तरह की चीज़ों को, मतलब अपने बारे में सोचते हैं वो, और फिर वो धोखा देते हैं। तो वो आपको, आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन वो अपना फ़ायदा चाहते हैं, यानी अपना भला चाहते हैं, खुद के बारे में ज़्यादा सोच लेते हैं, एक धोखेबाज वो होते हैं। वही कहीं ना कहीं तुला राशि वाले बन रहे हैं, और तुला राशि का अगर आपका पार्टनर है तो यहाँ पर ज़्यादातर स्थितियाँ बनेंगी जहाँ वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, आपको बोल रहा है कि, बहुत समय से बोल रहा है कि आप सुधर जाइए, पर उसे पता चल गया, यकीन हो गया है, उसे पूरा भरोसा हो गया आप कभी नहीं बदलेंगे, कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं होती है, वही चीज़ आपके लिए वो सोचता है और इस वजह से वो अब आपसे दूर जाना चाहता है। और वो सोच रहा है, पहले तो सोचता था कोई मिल जाए ऐसा व्यक्ति जो पसंद आ जाए, जिससे अटैचमेंट हो जाए, जिसके सहारे हम इसे छोड़ पाएं, पर अब उसे कोई मिल नहीं रहा है तो उसे लगता है कि कोई नहीं भी मिलेगा तो अकेले रह के काम चल जाएगा, उसके अंदर यही फीलिंग आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब तुला राशि के, जितने भी आपके अगर पार्टनर तुला राशि के हैं तो सब ऐसा ही सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं जिस तरह की ग्रह स्थितियां हैं, इसमें दूसरा पॉइंट ये बनता है, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आपके लिए इतना कुछ कर दिया जाए, मतलब आपके लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और तब हम ये चीज़ सोचें अलग होने की, दूर होने की, तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कि आपके बारे में ही सिर्फ सोच रहे हैं, उनका दूसरा पॉइंट बस केवल और केवल इसलिए है कि आप या किसी भी तरीके से वो किसी भी चीज़ को गलत ना समझें, वो आगे चल के उन्हें गिल्ट ना रहे कि आपके साथ बहुत गलत कर दिया, इस वजह से वो चाहते हैं कि आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, कि आपके बारे में कुछ आपके लिए कर दिया जाए,
खाने पीने के लिए, रहने के लिए आपकी लाइफ सिक्योर कर दी जाए, उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएं। उसके बाद में वो आपके बारे में सोचना बंद कर दें, आपसे दूर हो जाएं। इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन को अगर मैं अपने नज़रिए से देखूं, तो ये जो फीलिंग्स हैं ये कहीं से भी तुला राशि को पूरी तरीके से ठीक नहीं बताती हैं। अगर उन्होंने कमिटमेंट दिया था आपको सेक्स करने से पहले, फिजिकल होने से पहले, तो उन्हें वादा निभाना चाहिए। अगर नहीं निभाते हैं किसी भी तरीके से तो गलत ही साबित होंगे। पर यही सिचुएशन बन रही है कि वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, उनकी फीलिंग अब आपके लिए उतनी है नहीं और प्यार तो वो चीज़ नहीं बची है जो थी शुरू में। अब तो ये है कि बस कैसे भी करके ये खुद ही मुझे छोड़ दे। हाँ, एक चीज़ है, खुद ही मुझे छोड़ दे, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर है। इस तरह की चीज़ें भी आपके पार्टनर अगर तुला राशि के हैं तो वो ही सोचते हैं, और इस बीच में बहुत ज़्यादा बोलेंगे भी इन सारी चीज़ों में। ऐसा नहीं कि वो अंदर ही अंदर सोचें, कई बातें बोलेंगे भी, ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा। इस बीच में वृश्चिक राशि की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बदल रही हैं, बहुत डिफरेंट हो रही हैं और कन्फ्यूजन वाली हैं, तो हर दिन बदलेंगी फीलिंग। किसी दिन सोचेंगी या सोचेंगे वृश्चिक राशि वाले कि इसके साथ में जो है शादी करके लाइफ अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, अगर शादी होने वाली है तो, या इसके साथ में ये प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा इस तरीके की बातें करता है, इसके अंदर वो सेंस नहीं है बात करने का, या इस तरीके बहुत सारी कमियां आपके बारे में सोचेंगे। लेकिन अगले ही दिन वो सोचने लगेंगे, यार इसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इसने तो मेरे लिए ये किया है, इसने तो वो किया है। तो आपकी अच्छाइयाँ सोचेंगे एक दिन आपकी बुराइयाँ सोचेंगे, कुछ घंटे आपकी अच्छाइयाँ सोचेंगे, कुछ घंटे बुराइयाँ सोचेंगे। ये सोचते सोचते ही दिन निकालेंगे, ये सारे दिन। लेकिन इसमें जो उनकी फीलिंग निकल के आ रही है वो ये है कि वो आपको पसंद भी करते हैं और नापसंद भी करते हैं। पसंद आपने उनके लिए जो किया है उस वजह से करते हैं, और नापसंद इसलिए करते हैं क्योंकि आप वाकई में उन्हें पसंद नहीं हैं। करियर वाइज वो आपको पसंद कर सकते हैं, लेकिन बिहेवियर वाइज वो आपको पसंद नहीं करेंगे। यानी कि आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है, आपके पास करियर है, आपकी बहुत अपनी मेहनती हैं, आपके उन गुणों को वो स्वीकार करते हैं और वो पसंद करते हैं, पर उस चीज़ को वो स्वीकार नहीं करते हैं जिस तरह की आपकी बैकग्राउंड, आपका बोलचाल, आपका तरीका है, वो पसंद नहीं करते हैं। इस बीच में एक चीज़ और निकल के आ रही है कि वृश्चिक राशि का अगर आपका पार्टनर है तो वो बहुत ज़्यादा आपका अपमान कर सकता है कुछ बातें करके, और उसकी फीलिंग आपके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा, ये जो फीलिंग जो उसके अंदर हैं ये बुरी हैं, बुरी नहीं है, वो सही है, लेकिन उसे लगता है कि आप उसके लिए बदल सकते हैं, बदलाव आ सकता है आपके अंदर, अगर आप चाहें तो बदल सकते हैं, और इसलिए वो आपको बार बार रोकता टोकता है, बात करता है, बदल जाओ, तो वो आपके अंदर कुछ बदलाव ले आना चाहता है, और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव चाहता है जिस वजह से उसकी लाइफ अच्छी हो जाए और उसका फ्यूचर अच्छा हो जाए। अगर आप मैरिज कर रहे हैं तो आपका वृश्चिक राशि का पार्टनर, तो उसकी फीलिंग आपको लेकर के तो ठीक है, आपके ऊपर एक बार को भरोसा करता है 90%, 10% उसे डाउट है, बट 90% भरोसा करता है, पर उसे आपकी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा आपत्ति है, आपकी फैमिली से उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आती हैं, नेगेटिव फीलिंग है, आपकी फैमिली को उतना ज़्यादा महत्व तो नहीं देता है आपका पार्टनर। अगर वृश्चिक राशि का पार्टनर है तो वो सबसे ज़्यादा आपके बारे में सोचता है, आपके लिए ही दिन रात सोचता है, और अब अगर मैरिज हो रही है या मैरिज होने के लिए बात आगे बढ़ रही है या बातें बन रही हैं तो उसके बारे में यही सोचता है कि मैरिज होगी तो कैसे होगी, इसकी तो फैमिली ही अभी नहीं मान रही है, और ये फैमिली के लिए अभी देख रहा है, अभी फैमिली के बारे में सोच रहा है, मेरे बारे में भी सोचता है लेकिन फैमिली के बारे में भी सोचता है, तो अब क्या करेगा ये भगवान जाने। लेकिन कहीं ना कहीं वो डाउट यही है कि अगर कुछ बात बिगड़ी तो क्या होगा, इस तरह की चीज़ें उनके अंदर चलेंगी, और इससे उनकी फीलिंग बस एक चीज़ क्लियर होगी जो अगर आपको समझ में आ जाए
तो समझ लेना, लेकिन मुझे जो उनकी फीलिंग जिस तरह की ग्रहों की स्थितियां दिख रही हैं उससे मुझे जो उनके अंदर उनकी फीलिंग में जो एक शब्द निकल के आ रहा वो है डर। वो डरते हैं, वो डरते हैं आपको नहीं पाने से, यानी कि आपको अगर प्राप्त नहीं कर पाया, आपसे मैरिज नहीं हो पाई, तो उस चीज़ से डरते हैं। वो डरते हैं आपकी आयु से, आपके साथ में कोई दुर्घटना ना हो जाए, उस चीज़ से डरते हैं। वो डरते हैं अपनी लाइफ की इनसिक्योरिटी, अपनी लाइफ को लेकर के कहीं आपके साथ में कुछ हो जाए तो फ्यूचर में चल करके उनके साथ क्या होगा। तो वो मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ में, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ लॉयल भी बनना चाहते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं उनके अंदर डर पैदा कर रही हैं कि फ्यूचर कैसे होगा, क्या होगा, यही चीज़ें। और ये इसकी पीछे एक वजह है कि ओवर थिंकिंग बहुत है, मतलब हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, इसलिए उनकी फीलिंग बार बार चेंज हो रही हैं। अब ये फीलिंग चेंज होने का कारण भी आप हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से समझाएंगे, उसका सपोर्ट करेंगे, उसकी बातों को बहुत अच्छे ढंग से सुनेंगे और समझेंगे और उसे राय देंगे। तो आपकी राय, आपकी बातें उसे मोटिवेशन देंगी, उसको बहुत ज़्यादा प्यार देंगी, और उसकी आपकी बातें ही उसको आपके लिए पॉजिटिव बना पाएंगी या उसके डर को निकाल पाएंगी। तो इस बीच में कुछ भी करना, पर प्यार में, मोटिवेशन में और समझाने में कमी मत छोड़ना। ऐसा मत सोचना कि ये सामने वाला बेवकूफ़ है, 24 घंटे यही बात करता रहता है। उसकी फीलिंग को समझिएगा, उसकी भावनाओं को समझिएगा कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, क्यों रिएक्ट कर रहा है। इस तरीके की चीज़ें आप जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आप अच्छे से डील कर पाएंगे, नहीं तो अपने रिश्ते को ख़राब करेंगे। अच्छा बना बनाया रिश्ता कहीं ना कहीं इस वजह से भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो डर उनके अंदर है। अब बात करेंगे धनु राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा। धनु राशि का पार्टनर है तो वो ये सोचता है प्रैक्टिकल रूप से कि अभी तक इतना टाइम दिया है, क्या कुछ नहीं किया इस रिश्ते के लिए, अब इस रिश्ते को मत बिगाड़ो। वो आपसे बस इस चीज़ के लिए कहता है कि भरोसा रखो, प्यार दो, अच्छे से रहो, लेकिन आपके अंदर कुछ बेवकूफ़ी है जो उसे लगती हैं, और वो आपको बेवकूफ़ समझता है कि आप बेवकूफ़ हैं, आपके अंदर समझदारी उतनी नहीं है। आप हर तरीके की किसी की भी बात को सोशल मीडिया पे देख करके उसके ऊपर देखते हैं। अगर किसी ने कुछ बोला, सोशल मीडिया पे रील आ गई और रील में किसी ने बोला कि ऐसी लड़कियां वैसी होती हैं, वैसी लड़कियां ऐसी होती हैं, और आपने अपनी लाइफ से जोड़ लिया कि यार उसने भी तो मेरे लिए वैसा ही किया है, तो इस तरह की चीज़ों से वो परेशान होता है धनु राशि का पार्टनर। आपकी इन तरीकों की, इन तरीकों के जिस जो तरीके से आप सोचते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, ये रील में ऐसा बोल रहा है, तो वही सोच लो। इस तरह की घटिया मानसिकता जो आपके अंदर है, उस चीज को वो ना समझी बोलता है, ना समझी मानता है, आप समझदार नहीं है। अब वो क्या चाहता है, आपके साथ आगे रहना चाहता है, आपको समझदार बनने के लिए कहना चाहता है, आपको समझदार बनाना चाहता है, आपके आपसे दूर जाने की सोचता भी नहीं। उसे लगता है आप परफेक्ट हैं उसके लिए, पर थोड़ा सा समझदारी समय के साथ आएगी, उसे ऐसा लगता है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके अलावा भी किसी के साथ में पूर्व में रह के देखे हों, या आपके रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी उन्होंने और लोगों से भी बातचीत की हो और लोगों से भी रिश्ता बनाया हो। इस वजह से अब उनके अंदर ये फीलिंग बन गई है कि उन्होंने जितने भी डबल क्रॉस किया या जितने भी लोग देखे या पास्ट उनका जितना भी रहा है, उससे लाख गुना बेहतर हुआ। उसे ऐसा लगता है कि उसके लायक इस दुनिया में कोई और नहीं बना है, अगर इस व्यक्ति को छोड़ दिया तो जितने भी मिलेंगे इससे बेवकूफ और बड़े बेवकूफ ही मिलेंगे, तो इससे ही काम चला लो। इस तरह की चीजें उसके अंदर हैं। तो वो आपके साथ में अब लॉयल भी बनना चाहता है और प्यार से रहना चाहता है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें समझा करके अच्छे से रहना चाहता है। अब बात करेंगे पार्टनर अगर मकर राशि का है तो उसके अंदर क्या है। अगर मकर राशि का पार्टनर है तो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर इस बीच में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल होंगी, सेक्सुअल फीलिंग्स, सेक्सुअल बातें, यही दिन रात करवा लो उससे, और यही चीज़ें आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से
उसकी सेक्सुअल बातें, उसकी सेक्सुअल फीलिंग आपको इरिटेट करती हैं, वैसे ही आपकी इमोशनल बातें, आपकी दुख भरी बातें उसे इरिटेट करती हैं। आपका पास्ट, आपके पास्ट की सैड स्टोरी, वो उसे परेशान करती है। आप देखिए, एक दूसरे से दोनों परेशान हैं आप, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आप दोनों में जितनी ज़्यादा एक दूसरे के लिए ऐसी फीलिंग है, उससे ज़्यादा प्यार भी है। लेकिन प्यार वो अपनी सेक्सुअल फीलिंग बोल के जताता है, बताता है, और आपका नेचर ये है कि आप जो बताते हैं फीलिंग्स, वो इमोशंस में बताते हैं। इमोशंस की कदर नहीं है ऐसा आपको लगता है, पर उसे आपके इमोशंस की कदर है। बट उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसका एक तरह से ये एक उसके अंदर ये एनर्जी है कि वो नेगेटिव वाइब या रोने धोने वाले लोगों को पसंद नहीं करता है। इस वजह से वो आपके साथ में रहना चाहता है, लेकिन रोमांटिक मूड में, हरदम रोमांटिक मूड में। अब सैड स्टोरी उसे पसंद नहीं है, ये उसकी कमी है, और उसकी ये फीलिंग्स आपको लेकर के इस बीच में है। आपको बार बार यही कहेगा कि रोने धोने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, रोया धोया मत करो, चुपचाप रहा करो, शांति से रहा करो, और अच्छी बातें किया करो। अच्छी बातों से उसका मतलब वही है कि सेक्सुअल बातें करो इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं इस बीच में आपको ये जानने को मिलेगा, बार बार आपका भी मन ऐसा करेगा कि ये व्यक्ति पता नहीं किस तरीके का है, लेकिन आपको ये जानने को मिलेगा कि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। उनका ईगो हर्ट हो जाएगा तो आपको ब्लॉक कर देंगे, लेकिन ब्लॉक भी एक घंटे से ज़्यादा नहीं रख पाएंगे, फिर आ जाएंगे वापस। इस तरह की चीज़ें बार बार होंगी। तो मुझे नहीं लगता है कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं वो किसी प्रकार की ग्रहों की स्थितियां ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बल्कि आप दोनों का नेचर और व्यवहार और स्वभाव है, तो एक दूसरे को झेल रहे हैं। सही शब्द तो यही होगा, लेकिन दूर नहीं जा पाएंगे। अब बात करेंगे कुंभ राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है? अगर कुंभ राशि का पार्टनर है तो बहुत ज़्यादा वो आपके लिए नेगेटिव हो चुका है, और आप भी उसके लिए नेगेटिव हैं। उसे पता है, उसे पता है कि आप भरोसा नहीं करते हैं। जब आप भरोसा नहीं करते हैं तो उसे लगता है कि अब चीट कर ही लिया जाए, और चीट कर भी रहा है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास लाइन लगी है। अब लाइन लगी है तो फिर लाइन वाले लोगों को क्या ही फ़र्क पड़ेगा? एक से एक सुंदर से सुंदर कन्याएं मिल रही हैं, सुंदर से सुंदर हैंडसम जो है पुरुष मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और रही बात फीलिंग की, तो उनके अंदर खुद के बारे में जितना सोचते हैं उतना किसी के बारे में सोचते ही नहीं, तो फीलिंग की कोई परवाह ही नहीं है। तो अगर कुंभ राशि का पार्टनर है तो आप इस बीच में दुखी इसलिए होने वाले हैं क्योंकि वो आपसे स्पेस मांगेंगे। टाइम नहीं है मेरे पास में, बहुत काम है मेरे पास में, मुझे थोड़ा सा अकेला छोड़ दो। अब मुझे 24 घंटे तो फ़ोन पे नहीं रह सकता हूँ ना, मैं 24 घंटे तो फ़ोन पे नहीं रह सकती हूँ, काम धंधा भी करना है, तो या मेरे घर पे ये है, मेरे वो है। इस तरह की बातें बोल करके आपको चुप कराया जाएगा, आपके इमोशंस को दबाया जाएगा, आपकी फीलिंग को नहीं समझा जाएगा, और इस बीच में किसी और से मुंह लगाया जाएगा, किसी और से मुंह बढ़ जाएगा, किसी और से अपना दिल लगाने की कोशिश में लगे रहेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि कुंभ राशि वाले सब के सब ऐसे ही होंगे, 1-2% ऐसे भी होंगे जो कुंभ राशि का पार्टनर होगा जो बहुत अच्छे से सब कुछ डील कर रहा होगा, जो सब कुछ चल रहा होगा उसके दिमाग में। लेकिन एक बात तय है, चाहे कोई भी किसी प्रकार से, 1% भी मैं नहीं कहूँगा, 100 के 100% कुंभ राशि का अगर पार्टनर है तो उनमें से 100 के 100% लोग अपने बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। और अपने बारे में सोचने का मतलब है कि वो अपने फ़ायदे की हर चीज़ सोच रहे हैं, आपके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, ये बात पक्की है। और एक चीज बताएं, अगर आप जो राशि वाइज अगर हम आपको देखें, तो अगर आप वृश्चिक राशि, अगर आप मकर राशि और अगर आप मीन राशि के हैं, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति, यानी कि आपका कुंभ राशि का पार्टनर, आपको लेकर के अब बहुत सीरियस नहीं बचा है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, उसकी फीलिंग्स अब सच्ची नहीं रही हैं, उसके अंदर
कोई भी ऐसे विचार, कोई ऐसी फीलिंग विशेष आपके लिए नहीं बनी है, तो ये स्थिति है। अब बात करते हैं मीन राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो क्या स्थिति है। यानी मीन राशि का पार्टनर है तो इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, प्यार आपसे बहुत करता है और आपके बिना उसका मन नहीं लगता है, वो दिन रात आपसे चिपक के रहना चाहता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके घर आ जाना चाहता है, आपसे हर वक्त मिलना चाहता है, हर वक्त साथ रहना चाहता है। अब दूरियां उसे पसंद नहीं, अब दूर नहीं रह पाएंगे, इस तरह की फीलिंग उसके अंदर है। शादी करना चाहता है लेकिन उसे डर भी है और डाउट भी। किस पर? आप पर। आप पर डाउट ये है कि आप उससे शादी करेंगे, क्या उसके लिए स्टैंड लेंगे, क्या उसके लिए अपनी फैमिली से लड़ेंगे, क्या सच में शादी करेंगे, इस तरह की फीलिंग उसके अंदर आती हैं और उसे थोड़ा सा भरोसे की कमी तो है, लेकिन प्यार भरपूर है। वो चाहता है कि वो हर तरीके का प्यार आपको दे और उसके अंदर सेक्सुअल फीलिंग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है और सेक्सुअली वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, इसलिए वो आपसे दूर तो नहीं जाना चाहता है। अब भरोसे की कमी है, इस वजह से बस शादी को लेकर के बार बार चर्चा करेगा, बार बार इस पूरे 16 दिन में वो बार बार बोलेगा कि यार सच में शादी करोगे ना, किस तरीके से रहोगे, कैसे करोगे, मतलब उसमें प्लानिंग बनाना चाहेगा। अब उस प्लानिंग में आप किस तरीके से बातें करते हैं उससे, उस चीज़ को जज करेगा, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल समझना चाहेगा, या हो सकता है वो अपनी खुशी के लिए भी सब बातें करे। अगर आप ये बातें करना पसंद नहीं करेंगे तो उसे और डाउट बढ़ जाएगा, फिर और ज़्यादा आपसे गुस्सा करेगा, लड़ाई झगड़े होंगे इस बीच में। इसलिए मेरी सलाह रहेगी बातें करिए, पर किसी भी प्रकार से अगर आप कोई प्रॉमिस नहीं निभा सकते तो मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने प्रॉमिस कर दिया तो आपकी जान निकाल लेगी, जान निकाल लेगा, लेकिन वो प्रॉमिस आपसे मनवा के मानेगा, यानी कि आपसे फिर शादी करके ही मानेगा, इस तरीके का वो व्यक्ति है मीन राशि का। तो आपसे बेइंतहा प्यार है, लॉयल भी है आपके लिए, और वो जितना लॉयल है उसे अपनी लॉयल्टी पे गर्व है, वो अपनी लॉयल्टी को बार बार बोलेगा भी कि मेरे जितना लॉयल आपको कोई मिल नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता, इस तरह की चीज़ें उसके मन में आएंगी, इस तरह की फीलिंग रहेंगी। यह थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी बेहतरीन जानकारी आपको दे रहे हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आज बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बताया, आशा करेंगे आगे भी ऐसी बड़ी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। अगर आप रिलेट की हैं अपने पार्टनर के बारे में तो कमेंट जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में अगर कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो अपने पार्टनर की फीलिंग लिख दीजिए या फिर जय श्री राधे लिख करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।